Oh, hey, hi. Oh, here we go. I eat motivation in my breakfast, setbacks and failures in my lunch, and thought of keeping up the grind in my dinner and drink named the Motivational Punch. Hello, welcome to US and Multifarious, and this is Rupinder Singh. और आज हम कर रहे हैं व्लॉग, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता लगेगा धीरे धीरे धीरे। अभी लिया है छोटा सा ब्रेक क्योंकि हम है एनडी फिल्म स्टूडियो के यहाँ पर। ये हम देखने के लिए बीच में रुके क्योंकि काफी अच्छा लग रहा था, तो इसके थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं। देखिए टाइम हो रहा है 9:45 और हम पहुंच चुके हैं द लीलास रिजॉर्ट जो है गर्जत में। ऐसी शांति, मज़े ही आ गए। अभी अभी तो घुसे हैं, गेट पे मैं खड़ा हूँ। गाड़ी से बोरी अब इस तरह निकाल लिया हमने, अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ। इतनी शांति, मेरे कानों को हो रहा है ऑर्गेज्म। फोटोज में यही देखा था ना, एग्जैक्टली जितना। हाय बोलिए, कविता एंड विवेक। हाय। ठंडा है था, कोई बात गर्मी है फिलहाल तो ठीक है, थोड़ा शांति का मजा ले रहे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू, ये देखिए, आहा मजे आ रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे लोग कम है तो और भी अच्छा लग रहा है, शांति बनी हुई है। हाँ, ओ ये बन के तितली, दिल उड़ा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी है फिलहाल, बट बहुत सुंदर है। गर्मी सुंदर है। हेलो, तो अभी हम आ चुके हैं रूम के अंदर। अभी हम करेंगे चेंज, फ्रेश होके जाएंगे और दबा के खाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। बाय बाय। है खिड़की कैसे खुलती है, पोपट हो गया। देखिए हरियाली ही हरियाली है। नाइस वन, अभी फ्रेश होके मिलते हैं। हमारा रूम लॉक ही नहीं हो रहा था तो हम अभी आए थे रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे कोई मिला नहीं, पीछे एक बंदा आया, उठ के बोलता है ओके ओके करता हूँ, आता हूँ। यही वैसे होने वाला, ठीक है। अब जब वापस जाने तक देख लेंगे लॉक का शॉर्ट होता है कि नहीं। आया आया बंदा, आया आया। अभी होगी थोड़ी पेट पूजा, फ्रेश हो चुके हैं, एक बार खा ले तो भाई अच्छा लगे। अभी हमने खा लिया है और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी एनर्जी लेवल में अच्छा लग रहा है। पहले हम थोड़े थके भूखे से थे और अभी घूम रहे, कुछ नहीं। अभी हम एक जगह पे जाने वाले, वो अभी हमको पक्का नहीं कहाँ जाने वाले, कहीं तो जाने वाले, बट अच्छी जगह होगी एंड वी विल एक्सप्लोर दैट। तो फिलहाल रूम में जा रहे, धूप बहुत है जैसे कि आप देख सकते हैं, चेहरा ग्लो हो रहा है, अंदर जाके देखेंगे तो काला हो जाएगा। सन टैन बीचेस। ये हमारा रूम था क्योंकि जैसे हमने बताया कि ये लॉक लग नहीं रहा था, तो अभी हमें दूसरा रूम दिया है जो है कॉटेज रूम, वहाँ दिख रहा है वो वाला।
अब यहाँ से हम सामान लेंगे अपना बोरिया बिस्तरा एंड वी विल गो टू दैट रूम। बाय बाय। अच्छा कॉटेज में बोल रहा था वो ये है, यहाँ पे सारा बोरिया बिस्तरा। नाउ यू नो वो हम डाल चुके हैं, अब हम निकलेंगे एक्सप्लोर करने। काफ़ी गर्म है फिलहाल, धूप भी बहुत है, बट दिन वेस्ट नहीं करना है तो जाएंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस लेंगे, आपको दिखाएंगे। अभी रिजॉर्ट से थोड़ा बाहर निकल के एक छोटा सा गांव था, वो हमने क्रॉस किया वॉकिंग, काफ़ी छोटा था। एंड देन एक व्यू देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त शांति, आई लव शांति। काफ़ी आगे चल के आ चुके और व्यू के नज़ारे लेते हुए। और कितना टाइम है यहाँ से? अभी और 2.7 किलोमीटर है, 30 मिनट। चैलेंज, घर पे बैठ बैठ के धूप कैसे होती पता ही नहीं, और अभी जब धूप आ रही है तो फट रही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखो व्यू जब तक है हमारा ध्यान बना रहेगा। और ये थोड़ी छाव में हमने शरण ली थी ये झाड़ की, थैंक यू झाड़, पानी वानी पिया क्योंकि चुस जाएगा सारा, ओले धूप आ गई फिर से। सो अब चलते चलते पहुँचेंगे, जो भी हो वर्थ होना चाहिए, आपको तो दिख ही जाएगा। ये देखो ये तोड़ है, बलकलावा लो, थोड़ा सा पहनो, धूप ज़्यादा हो तो उसको पूरा पहन लो क्योंकि ये सीट थ्रू है, मेरे को दिख रहा है, मैं अंदर से नहीं चल रहा हूँ, नीचे गोबर है मेरे को वो भी दिख रहा है। देखो बहुत टाइम से हम चल रहे हैं और काफ़ी आगे आ चुके, और जो मंजिल है वो कुछ ऐसी दिखती है, मतलब ये क्या होता है कि हम चल रहे हैं और वो पहाड़ पीछे जा रहा है, समझ लो हम चल रहे हैं उसी स्पीड से पहाड़ पीछे जा रहा है, इन्फिनिटी। देखते कभी तो पहुँचेंगे, कुछ तो मिलेगा अच्छा। जरा ये डीजे हमारा प्यास लग रही है, दिस इज़ माई सहारा, इसमें हम शुगर लेंगे क्योंकि शुगर उठ चुकी है, तो ये लेने के बाद ये भी उठ जाएगी, तो ऐसा कोई वो नहीं है, ये अच्छे टाइम पे ले सकते हैं, सब चुस चुका है, चुसू। चलो ओ हे हाय आओ। वापस हम आ चुके हैं गेट में, पूरा एक्सप्लोर करके, ये जो पीछे का रेंज दिख रहा है ऑलमोस्ट वहीं कहीं हम गए थे, काफी अच्छे अच्छे, यस इसके बॉटम तक ऊपर नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, 2 किलोमीटर जाते तो वी कुड हैव रीच्ड बट कम बैक। हाँ बट अच्छा है, जहाँ तक भी मिला बहुत अच्छा व्यू मिला, काफी अच्छा मौसम, धूप है बट ठीक है, मजा आ रहा है। सो अभी हम घुस रहे हैं द लीला रिसोर्ट वंस अगेन, अभी हम करेंगे थोड़ा आराम, उसके बाद वापस मिलते हैं जब भी कुछ नया करें। चलो देखते हैं। से मौसम चेंज हो गया, धूप चली गई और थोड़े बारिश वाले लक्षण है, बहुत सही, बहुत सही, फीलिंग गुड। यहाँ पे फिशिंग हो रही है, फिशिंग चालू है, सो लेट्स सी, मैंने कभी देखा नहीं लाइव ऐसे फिशिंग करते हुए, देखते क्या होता है। बज रहे दोपहर के 2 और काफ़ी कुछ कर लिया जैसे कि आपने देख लिया होगा, और अभी यहाँ पे चिल मार रहे थे लेक साइड, जो मैंने बोला था कि हम फ्रेश होंगे एंड देन फिर जाएंगे, बट हम डायरेक्ट चले गए। तो अभी एक ही बार रूम में जाके थोड़ा फैलना पड़ेगा क्योंकि बैग तो टूट चुकी है, पैर भी टूट चुके हैं, इतना सारा चल के आए हैं, हाँ वी डिज़र्व दैट। और ये हो गए हम फ्रेश,
अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है फिर से, cuz I am a beast। हाँ, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया दोपहर को ही, मुझे लगा था कि शाम हो जाएगी कि थोड़ा धूप कम होगी, बट अच्छा लग रहा है, फ्रीली घूम पाएंगे। नाइस, चलो फिर खाने के बाद मिलते हैं। लंच हो चुका है और बहुत सारे नशे हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे गुलाब जामुन ठूस लिए लास्ट में। ये अलग तरीके नशे होते हैं, नशे सॉरी, तो वही वाले आप समझ गए हो। तो अभी हम शायद अपना थोड़ा आराम का प्रोग्राम बनाएंगे, देखते हैं। ये तुम्हारा है ना? हाय। शाम का टाइम है, कॉफ़ी का टाइम, ऑब्वियसली वैसे कोई टाइम नहीं, कॉफ़ी कभी भी पीता हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है और अभी धूप जा चुकी है तो बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा, काफ़ी थक भी चुके हैं बट ठीक है। तो अब हम फ्रेश हो चुके हैं और जाने का वक्त आ गया है, सनसेट हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है, तो अभी चलते हैं। पता नहीं आगे कुछ कुछ शॉट्स आ भी सकते हैं क्योंकि हमारी नज़र ही वैसी है। चलिए, बोरे अब इस तरह हम उठा चुके हैं और निकल रहे हैं, बाय बाय रूम, काफ़ी मज़ा आया। और ये मेरी शक्ल पे जो टैन है, काला कलूटा, यहाँ वहाँ से कहाँ से तो अजीब सा ही कुछ टैन हुआ है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही है। ऑलराइट, तो अभी आखिरी बार ये रोड पे हम फिर से आ गए हैं क्योंकि बाहर जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा, फीलिंग गुड। अभी बोलो धूप है, धूप चली गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ऑलराइट, मेरा ये अजीब से आकार में टैन हुआ है, लाल हो गया था वैसे तो, बट नाउ इट्स फाइन, सनस्क्रीन लगाएंगे घर पे बैठ के, घर पे रह रहे के टैन चला जाएगा, वो तो ठीक है। तो ये लोकेशन का ये लास्ट क्लिप है और फिर रास्ते में कुछ दिखा तो ज़रूर बताएंगे। और अभी सनसेट हुआ है और हम निकल चुके हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, नज़ारे तो पूरा दिन देखे आपने। और अभी आते आते ओनर मिला और लीलास का, उन्होंने बोला कि आप हमें लिंक भेजो, हम शेयर करेंगे। वाह वाह, मतलब ब्लॉग आया नहीं है और शेयर की बातें हो रही है, समझ आ रहा है। तो आपको भी करना होगा क्योंकि ब्लॉग तो आ चुका है, आप देख रहे हो तो आपको भी करना होगा, लीलास का ओनर भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, हम भेजेंगे उनको भी। फेमस।